जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। बेसिकली इस एक्ट का मीनिंग क्या है ये समझो। हम लोग जितना भी एक्ट अपने लाइफ में पढ़ते हैं, हर एक्ट का एक स्कोप होता है, एक अप्लीकेबिलिटी होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं, प्रोविजन। उस एक्ट में नई चीजें आती हैं, वो एक्ट आता है, अनाउंस होता है, किस किस जगह अप्लाई करना है, एनेक्टमेंट बोलते हैं, आ रहा है। तो इन सब चीजों का मीनिंग एक्चुअली हमको ये एक्ट बताता है, मतलब ये सारे एक्ट का फाउंडेशन है कि जितने भी एक्ट तुम पढ़ते हो उनमें जो जो वर्ड्स तुम्हारे सामने आते हैं, जो उस लॉ से रिलेटेड काम होता है, उन सब चीजों को अप्लाई करना, उनका मीनिंग समझना, ये सारा काम ये एक्ट बताएगा। रिपील हो गया है, रिपील होने का मतलब वो प्रोविजन हट गया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये एक्ट बताएगा। रिपील का मीनिंग क्या है, रिपील से होता क्या है, ये एक्ट है। मतलब इस एक्ट का ये नहीं है कि तुम इसको सीख के कहीं पे कोई बड़ा लॉ पे अप्लाई कर रहा है, बेसिकली ये जनरल नॉलेज का एक्ट है जिसके अंदर में तुमको ये पता चलेगा जो वेरियस क्लॉजेस, जो वेरियस वर्ड्स यूज होते हैं एक्ट में, उनका एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल एप्लीकेशन होता क्या है। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या होता है, सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है, ये जितना भी चीज तुम लोग काउंटर करने वाले हो बाकी एक्ट्स में, ये सारे का बेस यहीं से चालू होता है। समझ में आता है इस चीज की ओर। अगर इसको रटने के हिसाब से पढ़ोगे तो कभी जिंदगी में याद नहीं होगा, ये याद रखना। इसको एकदम शांत दिमाग से कभी भी खुश होकर पढ़ना, तुम ये सोच के पढ़ोगे ना कि ये एक्ट तो कभी दिमाग में नहीं घुस सकता, तो ये कभी नहीं घुस सकता। इसको ये सोच के पढ़ोगे ना कि ये है क्या, तो कुछ नहीं है इसमें, बस समझना हमको कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। कोई भी चीज का रिजिड फॉर्म नहीं है कि उसको रट लिया और काम हो गया, ना, इट इज नॉट पॉसिबल। हर चीज काम का भी नहीं, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन जो काम का है उसका पॉइंट्स जरूर याद रखना, हमारा बोलने का मतलब ये है। समझ गए चीज को, क्लियर? नाउ हम शुरुआत में आपसे पहला व्हाई वी स्टडी जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करें, अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखिएगा चीज को ढंग से प्लीज। द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ सम वर्ड्स एंड आल्सो सम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। दिस इज एन एक्ट इंटेंड्स टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशंस विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। Where there is no definition in those acts or regulations that emerge with the provisions of central acts or regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context. मतलब ये अगर जो आने वाले acts हम लोग पढ़ेंगे उनमें जो term use होते हैं उनका meaning अगर उसमें नहीं है तो वो यहाँ है, आप उनको यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, that is what they want to say. उनका general purview और सब कुछ समझाएगा, until unless it is repugnant इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, मतलब वो अगर अप्लीकेबल नहीं है तो अदरवाइज नहीं तो यही अप्लाई होगा, मतलब अगर उस एक्ट में उसको स्पेसिफिकली हटा दिया गया है तो अलग बात है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में, श्योर है, एकदम सही है, क्लियर है तो ये चीज पक्का तो सर। नाउ द जनरल क्लॉजेज एक्ट इज वेरी इफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर डेफिनेशन इन द स्पेसिफिक एनेक्टमेंट्स, मतलब जो स्पेसिफिक लॉज है उनके अंदर में अगर उनका डेफिनेशन नहीं है तो वो यहां से मिल जाएगा। And where there is a conflict between the pre-constitutional laws and pro-constitutional laws, मतलब constitution आने के पहले और constitution आने के बाद का definition में अगर conflict होता है, ambiguity है, तो भी आपको यहाँ पे उसका help मिलेगा। समझ गए चीज को आगे। The Act gives a clear suggestion for the conflicting provisions and differentiates the legislation according to the commencement and enforcement to avoid uncertainty. मतलब ये एक्ट हम लोग को बताता है एक्चुअली कि कोई भी अगर कंफ्लिक्टिंग प्रोविजन होगा तो क्या करना है और कब कमेंस हो रहा है और कब एनफोर्स हो रहा है, उन दोनों में एक डिफरेंस है, उसके बारे में पूरा चीज को समझाएगा आपको। समझ में चीज को क्लियर है पक्का? द जनरल क्लॉजेज एक्ट हैव बीन इनएक्टेड टू शॉर्टन लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन एंड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स इन द सेम कोर्स ऑफ द सेम पीस ऑफ लेजिस्लेशन। Act is meant to avoid the superfluity of language in a statute wherever it is possible to do so. मतलब अगर हर एक एक्ट जो एनेक्ट हुआ, जो रूल्स एनेक्ट हुए, अगर हर एक में हर एक वर्ड का मीनिंग बार बार दिया गया तो
तो अल्टीमेटली वो रिपीटेड हो जाएगा हर जगह। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस एक्ट में इसका पूरा कहानी डाल दिया। तो अब क्या है, ये वर्ड्स इनको पढ़ने के बाद आप कुछ भी, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे एक तरीके का ये ग्लॉसरी हो गया तुमको, जो तुमको हेल्प करेगा कि आने वाले टाइम में ये एक्ट इसलिए है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे एग्जाम्पल, वेयर एवर द लॉ प्रोवाइड दैट कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, सस्पेंड और रिमूव अ रिसीवर, द लेजिस्लेचर सिंपली इनएक्टेड दैट वेयर एवर कन्वीनियंट कोर्ट में अपॉइंट रिसीवर एंड इट वॉज इम्प्लाइड विद इन द लैंग्वेज दैट मे इट मे ऑल्सो रिमूव और सस्पेंड। मतलब क्या हुआ, अब अगर ये बंदा बोल रहा है द पावर टू अपॉइंट सस्पेंड और रिमूव अ रिसीवर, इसका मतलब हुआ कि अगर कोर्ट को दरकार है लेजिस्लेशन को कि एक को रिसीवर अपॉइंट करना है, तो जिस दिन उसको लगेगा अब उसका दरकार नहीं है, उसको रिमूव या उसको सस्पेंड भी कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग। सो समझ में आता है जी, मतलब अगर आपके पास किसी को अपॉइंट करने का अथॉरिटी है तो उसको रिमूव करने का भी अथॉरिटी आपको दिया गया है उसके अंदर में। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? नाउ दीज आर द थिंग जो हम लोग को समझ रहा है। द जनरल क्लॉजेस एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 11th March 1897 टू कॉन्सोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868 एंड 1887। मतलब समझ में आया इसका, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट दो एक्ट को मिल के आया, एक 1868 का था और एक 1887 का था, इन दोनों को कॉन्सोलिडेट करके एक एक्ट बना है, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। समझ गए चीज को, क्लियर है? 68 और 87 को जोड़ के लाया गया, कोई दिक्कत इसके अंदर में? नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नाउ हमको एक चीज बताओ, चीज को द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर सेवरल, नेमली टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट, बात हो चुका सेंट्रल एक्ट के लैंग्वेज को शॉर्ट करना क्योंकि बार बार रिपीटेशन नहीं है, टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट बाई गिविंग डेफिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। मतलब क्या हुआ, जो भी कुछ वर्ड्स यूज होने वाले हैं जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं उन सबका एक ही मीनिंग है, अब हर एक्ट में अगर कुछ अलग अलग मीनिंग यूज होने लग गया तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। लॉ क्योस क्रिएट करने के लिए नहीं आता, लॉ यूनिफॉर्मिटी और ऑर्डर लाने के लिए आता है, तो उस चीज के लिए ये एक्ट बना है। समझ गए चीज को, आगे बात करेंगे। नाउ याद रखना, इस बार ये क्वेश्चन छपने का बहुत चांस है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, हम बोल रहे हैं याद रखना इस चीज को, सेटल रहेगा। टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट बाय गिविंग डेफिनेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है पक्का? आगे, द पर्पस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट इज टू प्लेस इन वन सिंगल स्टैट्यूट, एक ही एक्ट में डिफरेंट प्रोविजन एज रिगार्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स यूज होंगे आने वाले एक्ट उनका इंटरप्रिटेशन एंड लीगल प्रिंसिपल्स विच वुड अदरवाइज हैव टू बी स्पेसिफाइड सेपरेटली इन मेनी डिफरेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो डिफरेंट एक्ट्स और रेगुलेशंस आएंगे उनमें जबरदस्ती उन सब चीजों को बार बार डालना पड़ेगा, उन सब चीजों को हटा के एक ही में डाल दिया गया, जिससे कि आप यहीं पर पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने आप उसको अप्लाई करते रहिए जब भी आप उस वर्ड को पढ़ें। समझ गए चीज को, क्लियर है? आगे, सो वॉट एवर जनरल क्लॉजेज एक्ट सेज, वेदर एज रिगार्ड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और एज रिगार्ड्स टू रिगार्ड्स लीगल प्रिंसिपल्स, has to be read in every statute to which it applies. समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता पक्का सर? क्या बोला समझिए, सो वट एवर जनरल क्लॉजेज एक्ट सेज, जो ये बोल रहा है, वेदर एज रिगार्ड्स टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, भले वो वर्ड का मीनिंग बताए, और रिगार्ड्स लीगल प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स को ये डिफाइन करेगा, has to be read in every statute to which it applies. मतलब बाकी जितने भी एक्ट के ऊपर ये अप्लीकेबल होगा उन सब पे ये सेम वे में अप्लाई करेगा, अलग अलग नहीं करेगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? आगे, एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ द माइंस एक्ट 1923, द जनरल क्लॉजेज एक्ट दस मेक्स प्रोविजन एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल एक्ट एंड अदर लॉज ऑफ ऑल इंडिया एप्लीकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस देयरफॉर इन पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ एनएक्टमेंट्स टू विच इट अप्लाइज इज ऑब्वियस। मतलब समझ में आता है, आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट को बार बार सेम चीज को या किसी को भी बोलने का दरकार सिर्फ कोर्ट कर देना है कि ये वहां पे जो डिफाइन किया गया है वही चीज यहाँ पे अप्लीकेबल है, तो डायरेक्टली कोर्ट करेगा वहां से, देयर इज नो नीड टू रिपीट द थिंग। समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता है? तो जैसे ही वो प्रोविजन वहां जाके आएगा तो जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज वहां पे अप्लीकेबल हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का?
तो वही देखा, इट मेक्स प्रोविजंस एज टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल एक्ट्स, जो जनरल एक्ट्स और बनेंगे, एंड अदर लॉज ऑफ ऑल इंडिया एप्लीकेशन, जो इंडिया के लेवल पे अप्लाई होगा. इट्स इंपॉर्टेंस देयरफॉर इन पॉइंट ऑफ द नंबर ऑफ एनएक्टमेंट्स टू विच इट अप्लाइज इज ऑब्वियस. तो जितने भी एनएक्टमेंट्स आने वाले हैं सबके ऊपर इसका बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट आएगा. समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का? मच मोर हाउएवर कैन बी सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंटरप्रिटेशन एक्ट विच हैड बीन कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑल लॉस. वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड यूज कर देने से मार्क्स मिल जाएगा. मच मोर हाउएवर कैन बी सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंटरप्रिटेशन एक्ट विच हैज बीन कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑल लॉस. करेक्ट भी है, जितना भी आने वाला लॉस तुम पढ़ोगे उन सब का लॉ इसी में लिखा हुआ है, उन सब का इंटरप्रिटेशन इसी में लिखा हुआ है. इसलिए इसको, इसका इंपॉर्टेंस को क्या बेसिस पे जज करेंगे? इट इज बेसिकली द लॉ ऑफ ऑल द लॉ. समझ गए अब चीज को, क्लियर है? द बाप ऑफ द बाप, यू कैन से. समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता पक्का था? आगे, इन सो फार एज सर्टेनिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इज अ नेसेसरी इटसेल्फ डेसिडरेटम बोला है, इज अ नेसेसरी इटसेल्फ. An interpretation act seeks to introduce that certainty in the limited sphere in which it operates. ये बंदा क्योस को हटाने के लिए आया है. Certainty, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर मीनिंग दे दिया है तो उसका वही मीनिंग होगा. अब आप उससे डिविएट नहीं कर सकते until unless it is repugnant anywhere else. समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? इसी चीज को इन्फॉर्म किया. Thus we can see that the purpose of this act itself enshrines the importance of that. समझ में आता है जी, इसका जो पर्पस है उससे ही डिफाइन हो जाता है कि इसका बहुत बड़ा लेवल पे इंपॉर्टेंस है. कोई दिक्कत अब इसके अंदर में? क्या चीज समझ में आ गया? क्लियर है जी पक्का सर? नेक्स्ट टाइप, एप्लीकेशन ऑफ द जनरल क्लॉज. द एक्ट नॉट डिफाइंस एनी टेरिटोरियल एक्सटेंड क्लॉज. मतलब ये कोई टेरिटरी इसके ऊपर अप्लाई हो उसके लिए, सेंट्रल एक्ट के ऊपर अप्लाई. तो जिन एक्ट्स में सर जी वो वर्ड्स यूज होंगे, पर्पस यूज होगा, जहां एम्बिग्यूटी होगी उनसे रिलेटेड लिंक होगा, उन सब के ऊपर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. समझ गए चीज को? सेकंड, इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरली विद द रेफरेंस टू ऑल सेंट्रल लेजिस्लेशन. मतलब जितने भी एक्ट आएंगे सेंट्रल के, एंड ऑल्सो टू रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर ए सेंट्रल एक्ट. किसी भी लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं जिससे कि वो प्रॉपरली अप्लाई हो पाए. तो ये जो रूल्स रेगुलेशन सब कुछ जो अप्लाई होगा उस लॉ में, उन सब चीजों के लिए ये एक्ट आया है. समझ गए चीज को, क्लियर है? तो लिखा, वापस पढ़ेंगे. इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरली विद द रेफरेंस टू ऑल सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड ऑल्सो टू रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर अ सेंट्रल एक्ट. एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? मतलब जितना भी सेंट्रल एक्ट आएगा उनके लिए, साथ में उनके अंडर में जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके लिए भी सर जी ये आया है. इट इज इन अ सेंस अ पार्ट ऑफ एवरी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन. ये हर एक सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन का एक पार्ट है जो उसको सपोर्ट सिस्टम की तरह देगा हेल्प. समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता है? आगे, इफ अ सेंट्रल एक्ट इज एक्सटेंडेड टू एनी टेरिटरी द जनरल क्लॉजेस एक्ट विल ऑल्सो डीम टू बी एप्लीकेबल इन दैट टेरिटरी and would apply in the construction of that central act. Any problem? जिस चीज के ऊपर वो central act apply करेगा जिस area पे, वहां पे उसका meaning के लिए general clauses अपने आप वहां उसके साथ खड़ा रहेगा. मतलब उसका एक परछाई है, समझ लो. So it will always be with that particular central act. समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता है? वही लिख के दिया. The provisions of the general clauses act are mere rules of interpretation. मतलब basically ये हम लोग के interpretation of statute का ही एक part है जहां पे उन सब चीजों को डिफाइन किया गया है. समझ गए चीज को? तो इसका पर्पस आर मियर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इट अप्लाई ऑटोमेटिकली इन ईच एंड एवरी केस. क्योंकि कोई भी लीगल लैंग्वेज को पढ़ोगे तो उसमें वर्ड्स आएंगे और उन वर्ड्स का मीनिंग कहां से आएगा? वो यहां से आ जाएगा. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? दिस एक्ट हैज बीन इनएक्टेड. इनएक्टेड आते ही तो इनएक्टमेंट यही आएगा, तो आपको समझना होगा. द प्रोविजन, प्रोविजन यही से है. तो हर चीज का मीनिंग कहां से मिलेगा सर हम लोग को? यहां से मिलेगा. समझ गए चीज को? आगे बात करें. इन मेनी कंट्रीज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. इन मेनी कंट्रीज लेजिस्लेचर सिमिलर टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट आर कॉल्ड इंटरप्रिटेशन एक्ट्स. बाकी कंट्रीज में इसको क्या बुलाया जाता है? इंटरप्रिटेशन एक्ट्स बुलाया जाता है.
But as the provisions of the General Clauses Act, whether relating to definition and meanings of words and terms of dealing with construction and interpretation, are so far as may be necessary common to every central act, the title General Clauses is not less appropriate than the title Interpretation Act, since it is applicable to all the central acts, basically to all the regulations. तो ये generally हर एक के ऊपर apply कर रहा है, इसलिए इसका General Clauses Act नाम रखना गलत नहीं है, more or less देखा जाए तो. समझ गए चीज को, clear है? आगे, the Supreme Court had observed in the case of Chief Inspector of Mines versus K.C. Thapar, whatever the General Clauses Act says, whether as regards the meaning of words or as regards legal principles, has to be read into every act to which it applies. समझ में आता है, ये चीज clear होता है? मतलब जो जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है वो हर एक एक्ट और के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, जिसके ऊपर वो एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है. समझ गए चीज को? मतलब किसी एक्ट के साथ अगर जनरल क्लॉजेज एक्ट जुड़ा हुआ है तो उस एक्ट का हर एक वर्ड जो भी होगा उन सबका मीनिंग कहां से मिलेगा? सर यहीं से मिलेगा. समझ गए चीज को, क्लियर है? तो वही लिख के दिया, व्हाटएवर द जनरल क्लॉजेज एक्ट सेज, वेदर इट रिगार्ड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स or as regards legal principles, has to be read into every act to which it applies. समझ गए चीज को? जो ये बोल रहा है वो बाकी हर एक्ट एक्ट के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा अगर उसके ऊपर जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लीकेबल है तो. समझ गए चीज को, क्लियर है? आगे, द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ ईच सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन. चलिए अभी तक कोई दिक्कत है, सेटल्ड है. सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट विच डील्स विद द डेफिनेशनल क्लॉज अप्लाइज टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट इटसेल्फ and to all central acts and regulations made after the commencement of the General Clauses Act in 1897. मतलब जो definition section है इसका, वो General Clauses Act के ऊपर तो apply करेगा ही, साथ में 1897 के बाद जितने भी act enact हुए हमारे यहाँ पे, उन central acts, उन सब के में भी जो words use हो रहे हैं, उनका भी definition यहीं से applicable हो जाएगा. अब समझ गए चीज को, clear है? आगे, next time, उसके बाद बोला सर. Similarly, Section 4 of the General Clauses Act, which deals with the application of foregoing definitions to previous enactment, applies to central acts and after January 3, 1868 and to regulations made after January 14, 1887. मतलब समझ में आया? मतलब Section 4, जो ये दो एक्ट का मिश्रण था, बोले थे ना, मिक्सचर है, 1868 और 1887. तो 1868 के टाइम पे, January 3, 1868 के टाइम पे, जो उसके बाद जो भी सेंट्रल एक्ट एनेक्ट हुए थे, क्योंकि वो 1897 के पहले है, तो उन सब का भी यहीं से मिलेगा. समझ गए चीज को, क्लियर है? और साथ में जो 1887 में भी रेगुलेशंस और बने थे, उनका भी मीनिंग आपको यहीं से मिलेगा. एनी प्रॉब्लम? मतलब सेक्शन 3 पोस्ट को डील करता है, सेक्शन 3 प्री को डील करता है टिल 1868. समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे, so there is a difference in the applicability of each section as regard the statute to which it applies. Any problem with this thing? Clear है? तो interpretation के लिए section 3 बात के लिए, section 4 पहले के लिए. कोई दिक्कत है इसके अंदर में? तो अगर Indian Contract Act 1872 का बात हो, तो 1872 पहले का है, तो section 4 आ जाता है. समझ गए चीज को? इसका मतलब बोलने का ये है. कोई दिक्कत इसके अंदर में? Next, the language of each section of the General Clauses Act has to be referred to ascertain to which class of instruments or enactment it applies. किस instruments और किस enactment के ऊपर ये apply करता है, उसको पढ़ के समझ में आएगा. In certain cases, even if no section of the General Clauses Act applies to a particular case, the court applies the general principles of the General Clauses Act. मतलब court को भी बहुत help है इससे. अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो लोग भी यहाँ से इसका word का meaning उठा के इसके प्रिंसिपल्स पे सर जी डिसीजन दे देता है. कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आगे, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट दोज एक्ट डज नॉट इन टर्म्स अप्लाई टू स्टेट लॉस, इट इज एविडेंट दैट द स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट शुड कन्फर्म टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट ऑफ 1897, फॉर अदरवाइज डाइवर्जेंट रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन वुड अप्लाई एंड एज अ रिजल्ट ग्रेट कंफ्यूजन माइट एंसू. मतलब समझ में आया? ये बोल रहा है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट तो सिर्फ सेंट्रल एक्ट पे अप्लाई होता है, तो अब जो स्टेट लॉज है, स्टेट एक्ट जो है, वो अपना स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाए, लेकिन वो भी क्या इसके साथ कन्फर्मिटी में ही रहेंगे, यूनिफॉर्मिटी में रहेंगे? क्योंकि अगर वो अलग हो गए तो सर जी कन्फ्यूजन बहुत बड़े लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ जाएगी हर जगह. कंस्ट्रक्शन जो मीनिंग निकालने का बात होगा, दो मीनिंग निकलेगा, तो बहुत बड़े लेवल पे इश्यू क्रिएट होने लगेंगे. इसलिए बेटर होता है कि वो दोनों सेम लेवल पे ऑपरेट करता है. समझ गए चीज को? क्लियर है?
बिफोर डेल्विंग इन टू द सैडल ऑफ द प्रोविजंस लेट्स हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? प्लीज सेटल इट. नाउ हियर कम्स द प्रीएम्बल बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ये जो प्रीएम्बल अब तुम लोग ये सब देख रहे हो, अगर तुमको पता होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी एड्स टू इंटरप्रिटेशन में प्रीएम्बल बना. तो बेसिकली क्या है, देखो यहीं से वहां, बेसिकली बोथ आर हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ. समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है? तो चलिए बात करते हैं. एवरी एक्ट हैज अ प्रीएम्बल व्हिच एक्सप्रेसेस द स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट. इट इज द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट. समझ में आया, चीज क्लियर होता है? प्रीएम्बल बताता है स्कोप क्या है, सर्जरी ऑब्जेक्ट क्या है और पर्पस क्या है. तो ये हम लोग कोई चीज में, तो तुमको जब भी प्रीएम्बल अगर पूछ ले, इंपॉर्टेंट बोले भी हैं, तो तुमको सॉप याद रखना. प्रीएम्बल में ही पी से चालू होता है, तो पी से पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्ट, ये इस चीज को डिफाइन करता है कि आखिर ये क्यों आया है. तो अगर हम उसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ना किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्यों लाए, पर्पस क्या है, तो हम समझ पाएंगे कि नहीं कि ये किस चीज के लिए आया. सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो हम लोग को पता चलता ना उसको पढ़ने से, नीचे लिखता ना कि इट इज अप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो हमको पता चला गुड्स को कवर कर रहा है, सेल को कवर कर रहा है, किस चीज के ऊपर. साथ में ये भी बता देता है किस किस के ऊपर अप्लीकेबल. इट अप्लाइज टू द एंटायर इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. समझ में आता है? तो डेट इज वॉट. अब आगे पढ़ते हैं. इट इज द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट. क्यों क्यों बनाया, वो उस चीज को कवर करने के लिए बनाया. आगे कंपनीज एक्ट, इट इज रिलेटेड टू कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज. तो डेट इज वॉट दे वॉन्ट टू से. Whenever there is ambiguity understanding any provision of the Act, preamble is accepted as an aid to construction of the Act. समझ में आता है? जब भी कुछ confusion होगा तो preamble हम लोग को help करेगा उसका meaning समझने में. समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है? Now, अब चीज को समझो. अब तुमको ये चीज समझना है कि word use करना है construction. हर जगह तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, हर जगह word क्या आ रहा है, construction. तो preamble is accepted as an aid to construction of the Act. By making the understanding of the act, it helps, aid हो गया, help की जगह क्या लिखेंगे, aid to the construction of the act. समझ रहे हो चीज को? कुछ words दिमाग में रहेंगे तो ज्यादा बेटर वे में तुम लिख पाओगे. समझ गए चीज को? आगे the preamble of a statute is a part of the enactment and can legitimately be used for construing it. ये enactment का part है क्योंकि वो पूरा part है enactment का, उसके अंदर में ही लिखा जाता है. Now, वो हम लोग को सर जी help करेगा कि उसको समझने के लिए एक्चुअली क्या है, कंस्ट्रूइंग इट, कंस्ट्रक्शन को ही कंस्ट्रूइंग. समझ रहे हो ना चीज को? हाउएवर द प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, बट इफ द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट गिव राइज टू डाउट्स एज टू इट्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल वेयर द वर्ड्स और फ्रेज हैज मोर देन वन मीनिंग एंड द डाउट अराइजेज एज टू विच ऑफ द टू मीनिंग्स इज इंटेंडेड इन द एक्ट, द प्रीएम्बल कैन एंड ऑट टू बी रेफर्ड टू इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और मीनिंग और इंटरप्रिटेशन. गेटिंग इट? मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि प्रीएम्बल पूरा एक्ट का प्रीएम्बल उसका शुरुआत, उस शुरुआत के बाद वो हर चीज को लिखता है. तो जो हर चीज को लिखा, तो क्या प्रीएम्बल डील लीड करेगा कि ये लोग डील करेंगे? मेन तो यही है जो आगे जो लिखे हम लोग प्लेन सिंपल लैंग्वेज में, जो जो चीज लिखे हम लोग उसको वही है. लेकिन जब इस प्लेन वर्ड और फ्रेजेस को पढ़ के कंफ्यूजन आएगा या एम्बिग्यूटी आएगा, तब प्रीएम्बल कैन हेल्प मी एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट. समझ में आता है, ये चीज क्लियर होता है? मतलब जब प्लेन मीनिंग में, जब उस एक्ट को पढ़ते वक्त प्रॉब्लम होगा, वहां एम्बिग्यूटी आएगी, देन माय प्रीएम्बल इज गोइंग टू हेल्प मी इन मेकिंग आउट द मीनिंग ऑफ द एक्ट. एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? श्योर? आगे बात करिए. नेक्स्ट. इन शॉर्ट द प्रीएम्बल ऑफ एन एक्ट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. वो शुरुआत में क्या लिखता है कि भाई हम क्यों लेके आया, हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लेके आया, हम कंपनीज को लेके आया, इसलिए लेके आया, खत्म. बट कैन ओनली बी ब्रॉट इन एज एन एड टू कंस्ट्रक्शन इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर. मतलब इसका प्राइमरी ये काम नहीं है, बट इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी in the language of the statute, then only we can go to the preamble and it may act as an aid to the construction of the statute or meaning or law. समझ गए ना चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? So see, I am using the word construction, aid. तो तुम्हारे दिमाग में अभी घुसना चाहिए कि हमको ऐसे लिखना है. समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का?
आगे बात करनी है. हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द एनएक्ट. इट कैन नॉट. वो जो प्रोविजंस वो हमेशा आगे हैं, लेकिन अगर उसमें कंफ्यूजन है तो प्रीएम्बल है, अदरवाइज नहीं है. एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्लियर है, चीज पक्का सर? श्योर है? आगे बात करिए. प्रीएम्बल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट स्टेट